Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 16 of your class 7 science, that is water a precious resource. So let's see question number 1. Mark T if the statement is true and F if the statement is false. First statement, the fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला, जो फ्रेश वाटर ग्राउंड में स्टोर्ड, दैट इज अंडरग्राउंड में जो वाटर का क्वांटिटी है, इज मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर रिवर्स एंड लेक्स का हम कंबाइन करेंगे वाटर का क्वांटिटी, वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर दैट इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड. सो द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू नो दैट जो फ्रेश वाटर ग्राउंड पे स्टोर्ड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट इन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट पार्ट, वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज वाटर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट ओनली फेस्ड बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज बट ऑल्सो पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज एज वेल. पार्ट सी, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ द ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन द फील्ड. फील्ड में जो इरीगेशन होता है उसमें क्या बोला है, जो रिवर का वाटर है वो सिर्फ ओनली सोर्स है इरीगेशन पर्पज़ के लिए. द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज रेन वाटर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स फॉर इरीगेशन. लास्ट वन, रेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. वाटर का अल्टीमेट सोर्स कौन है, रेन. द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज्ड. सो व्हाट यू विल राइट, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द डायग्राम. में क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, सीप हो जा रहा है नीचे एकदम एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड. The process of seeping of water into the ground is called infiltration, and by the process of infiltration, groundwater gets recharged. So it's actually very simple. Groundwater कैसे recharge होता है वो आपको बताना है. The first line is very important. यहाँ पर क्या बोला है, देखो जो rain water है and जो water है from other sources, जैसे examples अगर हम लोग ले river, river क्या है, water का एक source है. देन पॉन्ड क्या है, वाटर का एक सोर्स है. तो इनका जो वाटर है वो क्या होता है, धीरे धीरे सीप हो जाता है अंडरग्राउंड में, दैट इज़ रिस्क के क्या होता है, नीचे चला जाता है. एंड क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेसेस है ग्राउंड के बिलो पे, वो धीरे धीरे उसको फिल करना शुरू कर देता है. दैट इज़ नथिंग बट योर ग्राउंड वाटर रिचार्ज. जैसे क्या लिखा है, देखो, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स थ्रू द सॉइल. सॉइल से क्या होता है, धीरे धीरे वो पानी नीचे जाना शुरू हो जाता है एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड. तो ये जो प्रोसेस है ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, इसको क्या बोला जाता है, इनफिल्ट्रेशन. एंड इसी प्रोसेस से क्या होता है, ग्राउंड वाटर का जो वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेस. What could be the long term impact on the water table? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, लेन ऑफ 50 हाउसेस है, उन पे क्या है, 10 ट्यूबवेल्स हैं. तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वाटर टेबल पे? तो वाटर टेबल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा. नाउ आपको पता है ट्यूबवेल क्या होता है, उससे अंडरग्राउंड का वाटर क्या होता है, लिया जाता है. सो व्हाट यू विल राइट, 10 ट्यूबवेल्स आर टू मच फॉर अ लेन ऑफ 50 हाउसेस. दिस कैन लेट पीपल टू माइंडलेसली एक्सप्लॉयट द ग्राउंड वाटर. दिस कैन लेट टू डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल इन द लॉन्ग रन. तो लेन ऑफ 50 हाउसेस के लिए 10 ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा होता है. एंड इससे क्या होगा, पीपल क्या करेंगे, केयरलेसली इसका ग्राउंड वाटर का जो यूज़ करेंगे, वेस्टेज करेंगे वाटर का. तो इससे जो फ्यूचर में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, डिप्लीशन हो जाएगा वाटर टेबल का. सो दिस इज नॉट गुड. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4. यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन. हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर. द आंसर विल बी ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम कैन बी यूज्ड इन द गार्डन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर. वाटरिंग टू प्लांट शुड बी डन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन. तो सपोज यू आर गिवन अ टास्क
where you are asked to maintain a garden. So how can you minimize the use of water ताकि कम से कम water waste हो? So we can use the following steps. First is your drip irrigation, second is your sprinkler system. I hope the concepts are very very clear to you. So देखो क्या होता है, जो drip irrigation technique में क्या होता है, ये ऐसा technique है जहाँ पे water किया जाता है plants को by making use of narrow tubes which deliver water directly at the base of the plants. तो इससे क्या होता है, water का wastage नहीं होता है. Then और भी आप बहुत चीज़ कर सकते हो, दैट वी कैन यूज ओल्ड वाटर. ऑल दो यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम दिया हुआ है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट इट बिकॉज इट वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर. तो आप क्या लिख सकते हो, दो पॉइंट लिख सकते हो, दैट वी कैन यूज अ ड्रिप इरिगेशन मेथड, वी कैन रीयूज द ओल्ड वाटर, वी शुड नॉट वाटर प्लांट्स थ्रू पाइप्स एज इट वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for the depletion of water table, very very important. So what you will write, following factors are responsible for depletion of water table. First point, there is more demand of water due to increasing population, which led to increasing demand of water for various human activities. तो सबसे पहला factor क्या है, population increase हो रहा है, तो increase in population leads to increased demand for water for domestic and drinking purpose. तो इससे क्या हो रहा है, reduction आ रहा है water table पे. Second point, deforestation has removed a large portion of forest cover. This has distributed the natural process of recharging the ground water. तो deforestation यानी cutting down of forest at a large scale, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो forest cover का लार्ज जो पोर्शन है वो रिमूव हो रहा है धीरे धीरे, एंड इससे क्या हो रहा है, जो वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस आ रहा है. कैसे, दिस हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रीचार्जिंग द ग्राउंड वाटर. जो नेचुरल प्रोसेस होता है रीचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर का, उसमें क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है बिकॉज हम लोग ट्रीज को कट कर रहे कंटिन्यूसली. डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीज्ड एंड द रीचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर हैज़ रिड्यूस्ड. The mismatch between demand and supply is mainly responsible for depletion of water table. तो due to ever increasing population क्या हो रहा है, water का demand बढ़ रहा है, but इसमें क्या हो रहा है, जो ground water का जो water है वो उसमें reduction आ रहा है, उसका क्या हो रहा है, level धीरे धीरे कम हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, mismatch हो रहा है, mismatch create हो रहा है between demand and supply. तो इससे क्या हो रहा है, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर. फर्स्ट, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. जो पीपल है वो ग्राउंड वाटर को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम वेल्स. वेल्स से ऑब्टेन होता है, ट्यूब वेल्स से भी ऑब्टेन होता है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये तीनों क्या है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. क्लास 9 पे जाके आप और भी अच्छे से इसको फर्दर स्टडी करोगे. नेक्स्ट क्या है, देखो, द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज. तो अर्थ का वाटर बियरिंग लेयर को क्या बोला जाता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वाटर टेबल यू विल राइट एक्वीफर. उसको क्या बोला जाता है, एक्वीफर, ए क्यू यू आई एफ ई आर. लास्ट वन, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड. हमने अभी डिस्कस किया था, इसको क्या बोला जाता है, इनफिल्ट्रेशन. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज. तो इनमें से कौन सा है जो वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हैवी रेनफॉल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाई वन. फर्स्ट, जैसे आपका गिवन था, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है, उस वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो रहा है वाटर शॉर्टेज में, क्योंकि वाटर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वाटर का डिमांड भी राइज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर का शॉर्टेज हो रहा है. नेक्स्ट, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स. वाटर रिसोर्स का जब मिसमैनेज होता है, इट ऑल्सो लेड्स टू वाटर शॉर्टेज.
Next is a question number 8. Choose the correct option. The total water of the world remains constant. जो अर्थ में जो टोटल वाटर है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है. बिकॉज देखो वन बाय वन समझते, लेक एंड रिवर का कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा कम कम ज़्यादा हो सकता है. देन अंडरग्राउंड का कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है. देन सीज एंड ओशन में जो कांस्टेंट है वो भी नहीं हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है. बट यहाँ पे हम ऑल टोटल का बात कर रहे, दैट इज़ द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. स्केच करना है आपको ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल. ये आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद करना है.